फाइनली गाइस गेम के अंदर आ चुका है अपना एक न्यू रैंक सिस्टम। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो हम लोगों को काफी अच्छे अच्छे रिवार्ड मिल रहे हैं बिल्कुल ही फ्री में। यहां पे गाइस देख सकते हो एक पैरासूट की स्किन, एंड भाई इससे अच्छा पैरासूट तो अभी तक गेम के अंदर आया ही नहीं है। तो चलो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सब रिवार्ड आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो आज जो है हम लोगों को इस वाली इवेंट से यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है स्क्वाड प्रोटेक्शन कार्ड मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको चार कार्ड मिल रहा, मतलब कि चार मैच चार बार आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इस वाली कार्ड का काम ये है कि जब आप लोग स्क्वाड बनाओगे, मतलब कि जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड गेम खेलोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं स्क्वाड बनाया हूँ, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब अगर आपको इस कार्ड को यूज़ करना है तो सिंपल सा इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके आप लोग अपने तीन दोस्तों के मतलब कि पूरा स्क्वाड यहाँ पे रेडी कर लो। एंड इसके बाद भी जब आप लोग गेम को स्टार्ट करोगे, चाहे CS खेलो या फिर BR खेलो, एंड उसमें अगर आपका माइनस लगने वाला हो, मतलब कि आप पहले मर गए एंड आपका माइनस लगने वाला है, बट आपका माइनस नहीं लगेगा इस वाली कार्ड की वजह से, क्योंकि ये जो कार्ड है वो आपके रैंक को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस ये जो पूरा स्क्वाड पे काम करता है, मतलब कि आप लोग स्क्वाड मैच बना के खेलोगे तभी जो है ये वाला कार्ड काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो इसका एक्सपायरी डेट भी है, जो कि 8 तारीख को ये जो कार्ड है खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले आपको इसको यूज कर लेना है। चार मैच में आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे हमें को चार कार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा गाइस एक चीज यहाँ पे ये भी है कि जो आपका रैंक है, जैसे अभी देखो मेरा जो रैंक है वो है डायमंड, ठीक है, लेकिन अगर आपका रैंक मास्टर हो जाता है, मास्टर पे चले जाते हो, उसके बाद भी ये वाला जो कार्ड है काम नहीं करेगा। तो जिनका रैंक मास्टर से कम है उनको ही ये जो कार्ड है काम करेगा, ठीक है। तो जब आप लोग हीरोइक पे जाने वाले हो या फिर मास्टर पे जाने वाले हो, आपको लगता है कि अब अगर माइनस हो जाएगा तो मेरा काफ़ी लॉस होगा, तो ऐसे टाइम पर आप जो है इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो, ओके। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखो एक और इवेंट आ चुका है ये वाला, जहाँ पे ये वाली गन स्किन हम लोगों को मिल रहा है बिल्कुल ही फ्री में। अब इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, पूरे 36 एनिमी को किल करना है या फिर यहाँ पे आपको 17,000 का डैमेज देना है। 36 किल करोगे तो भाई 17,000 के आसपास डैमेज इजिली हो जाएगा, जो कि आप लोग फुल मैप CS लोन वुल्फ किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम लोग जानते हैं अपने न्यू रैंक सिस्टम के बारे में। अब गाइस यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोगों को जो है चार रिवार्ड मिल रहा है, एंड गाइस इन चार रिवार्ड को लेने के लिए आपको चाहिए पूरे 12 टोकन, ये वाला टोकन बोलो या फिर लोगों कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये जो 12 टोकन है इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 12 वाल जाना है हीरोइक पे, जो कि आप लोग CS या फिर फुल मैप दोनों को मिला के कर सकते हो। लाइक गाइस यहाँ पे देखो इस सीजन से ये वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अभी देखो मेरा जो रैंक है वो है डायमंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं रैंक पुश करूंगा और जैसे ही मैं हीरोइक पे पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है BR का ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो है मुझे एक टोकन ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो CS का न्यू सीजन आएगा अपना फरवरी में, और न्यू सीजन आता है उसमें अगर मैं जाता हूँ हीरोइक पे तो CS के थ्रू भी मुझे एक टोकन मिलेगा, एंड जैसे ही मेरे पास दो टोकन हो जाएगा मुझे जो ये वाली इमोट है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस फिर से जो इसके बाद जो 37 के बाद जो 38 वाला आएगा BR का रैंक सीजन, उसमें अगर जाते हो फिर से आप लोग हीरोइक पे तो वहाँ से फिर से आपको एक टोकन मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ये सारे रिवार्ड चाहिए तो अब जो है आपको हर सीजन रैंक पुश करना है, कम से कम आपको हीरोइक तक तो जाना ही है। दूसरी चीज गाइस यहाँ पर का जो रिवार्ड है वो आपको अभी तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि एक सीजन जो है वो 2 महीने पर आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हमें चाहिए 12 टोकन, तो इस हिसाब से 6 सीजन, मतलब कि अब जितना भी सीजन आएगा आपको 6 बार जाना है हीरोइक पे फुल मैप के अंदर, एंड 6 सीजन आपको CS के अंदर जाओगे हीरोइक पे तभी जाके आप लोग जो है यहाँ पर के सारे रिवार्ड को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। कुल मिला के गाइस यहाँ पर का जो लास्ट रिवार्ड है उसको लेने के लिए ये पूरा का पूरा साल आपको लग जाएगा, इस साल के 2024 के लास्ट में ही आप लोग ले पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको समय में आ चुका होगा, बट एक चीज़ गाइस यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे सिर्फ हीरोइक ही रखा गया है, तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो हीरोइक तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे रैंक पुश करने वालों को भाई एक अलग से काफ़ी तगड़ा रिवार्ड दिया जा रहा है, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी गाइस आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको इन चारों में से कौन सा रिवार्ड है जो कि सबसे अच्छा लगा। मेरे को भाई यहाँ पे जो पैरासूट है वो सबसे तगड़ा लगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो गेम के अंदर आ चुका है अपना न्यू बुया पास, तो चलो सिंपली गाइस यहाँ पे स्पिन करते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितने डायमंड पे यहाँ पे बुया पास मिल पाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो भाई मैं लेता हूँ प्रीमियम वाला, तो उसके लिए करीब चाहिए अपने को 200 टोकन। एंड लोल भाई डायरेक्ट तो कभी मिलता ही नहीं, कुछ मिला है, ओ भाई साहब ओपी। चलो गाइस यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली बुया पास मिल चुका, अभी मैंने बोला भाई कि मुझे नहीं मिलता है बट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
एंड चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे मेरा बुया पास अनलॉक हुआ या फिर नहीं। यस भाई हो चुका है, काफ़ी ओपी। आप लोग गाइस बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने इस बार का बुया पास लिया है या फिर नहीं, एंड ये जो बुया पास है वो आपको कैसा लगा। भाई मेरे को तो नोड़ा लगा, बट इसका जो एक चीज़ है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा और वो है गाइस इमोट। बस यही एक ऐसा रिवार्ड है जो कि इसके अंदर अच्छा है, बाकी भाई बंडल वगैरह तो एकदम नूबड़ा है। ठीक है, खैर कोई ना गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो हाँ मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा, टेक केयर।